तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की एक ऐप के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग की एक ऐप है सैमसंग कैप्चर, उसके अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए और ये ऐप किस लिए यूज होती है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग कैप्चर ऐप के नए अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन पे। अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल हो रहा होगा सैमसंग कैप्चर नाम से। आप देख रहे होंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका वर्जन नंबर है 5.4.22 और जिसको रोल आउट किया गया 31 मार्च 2023 को, और जिसका साइज है 36 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप में नया चेंजेस किया गया है, रिमूव अनयूज्ड परमिशन। मतलब कि इस ऐप का जो परमिशन है, जो आप वो यूज नहीं करेगा तो उस परमिशन को यहाँ पर हटा देगा। सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छी चीज है। और ये वर्क क्या करता है, ये वर्क करता है आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। कैसे वो आपको मैं बताता हूँ। पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या वर्क करता है। तो फाइनली दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अब इसका काम क्या है, जो भी स्क्रीनशॉट से रिलेटेड जो भी काम होंगे, आप बोल सकते हैं स्क्रीन को कैप्चर करना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना, या स्मार्ट सेलेक्ट फीचर यूज करना, जो भी चीज होगी सब स्मार्ट कैप्चर के अंदर ही आती है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे इसमें भी लिखा हुआ था, दिस इंक्लूड फीचर कॉल्ड स्मार्ट सेलेक्ट एंड स्क्रीन राइट। यूजिंग स्मार्ट सेलेक्ट यू कैन सेलेक्ट सेक्शन ऑफ वीडियो ड्यूरिंग प्लेबैक एंड सेव द एनिमेटेड GIF। यूजिंग स्क्रीन राइट यू कैन टेक स्क्रीन शॉट एंड एड एनिमेशन टू देम और पुट मार्क व्हेन नीडेड। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी स्क्रीन कार्ड स्क्रीनशॉट से रिलेटेड या स्क्रीन से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे सब यही पूरा करेगा। और अगर आप यहाँ पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो यह माइक का भी परमिशन यूज करेगा और कैमरे की परमिशन भी यहाँ पर यूज करेगा। तो ये इस तरीके से फीचर काम करता है। तो आप जैसे मान लो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो नीचे ये टूलबार्स आता है ये भी इसी के अंदर आता है। अब इसमें एडिट करना हो या कुछ भी, आपको फोटो को जो भी आपने खींचा है उसमें कुछ एडिट करना हो या लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो, ये जैसे ये काम कर रहा है, जैसे आपको बता रहा है कि इतना ही काम का है। तो ये सब काम स्मार्ट यही वाला सैमसंग कैप्चर फीचर काम करता है। और आपको जैसे कि अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करी होगी स्मार्ट सेलेक्ट फीचर, जैसे कि ये वाला फीचर है, आप इससे यहाँ पर यूँ कैप्चर करते हैं तो ये भी सैमसंग कैप्चर ऐप करता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग का काम है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो सब भी सैमसंग कैप्चर ऐप के थ्रू होती है। ओवरऑल जो भी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन से रिकॉर्डिंग होगा जिसमें आप स्क्रीन से कुछ कैप्चर कर रहे हैं वो सब काम सैमसंग कैप्चर ऐप करती है। तो अभी इसमें नए अपडेट्स में क्या किया गया है, उसकी जो परमिशन है कम कर दी गई है ताकि वो आपकी सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि स्क्रीन के अंदर सब कुछ रहता है तो उसकी परमिशन को यहाँ पर कम कर दिया गया है। और ये काम बहुत अच्छे स्मूथली करे तो इसलिए उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप सिंपल यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट में अगर आपको हैशटैग लगाना है तो हैशटैग यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज आउट कर सकते हैं, शेयर करना, और डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं स्मार्ट सेलेक्ट फीचर से। लाइक अगर आपको स्मार्ट सेलेक्ट फीचर से किसी का कोई टैक्स निकालना है तो आप यहाँ पर गए, आपने यहाँ पर क्लिक करा तो आप यहाँ से इसका टैक्स को भी यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर क्लिक करके टैक्स पर क्लिक करके यहाँ से टैक्स को उठा सकते हैं किसी भी फोटो में। और साथ में यहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड करना हो एनिमेशन, तो आप एनिमेशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइक कोई वीडियो चल रही हो, आपने कोई एनिमेशन बनाना है तो आप उससे यहाँ पर वीडियो को भी रिकॉर्ड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताता हूँ कैसे चलता है। जैसे लाइक ये मेरी वीडियो है, मैंने अब इसमें स्मार्ट कैप एनिमेशन वाला वीडियो आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कैप्चर करा, इतना ये यहाँ पर लगाया और मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे होंगे ये रिकॉर्ड हो रहा है। और अब मैं यहाँ पर जैसे इसको स्टॉप करूँगा तो एक एनिमेटेड वो बन किया जाएगा, GIF बन किया जाएगा, जिसको आप शेयर करेंगे तो यहाँ पर ये शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यहां तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।